सो गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ टॉप फोर बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000। जी हाँ गाइस, वो मोबाइल आपको लेटेस्ट मिले एंड न्यू मोबाइल हो जिसमें आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलेगा, 7000 एमएच की बड़ी बैटरी, 12 5G बैंड के सपोर्ट, 33 वॉट का फास्ट चार्जर, 128 स्टोरेज इंटरनल, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा मोबाइल अगर आप एक्सपेक्ट करते हो 15,000 के रेंज में तो आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। सो इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ, इसके प्रोस के साथ बताऊंगा ये मोबाइल आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना, आपको अच्छा लगता है आपके हिसाब से किस मोबाइल के बारे में मेरे को बताना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बता देते हैं इसमें आपको जो रैंकिंग की है, हम सभी मोबाइल के फीचर एंड स्पेसिफिकेशन वाइज रैंकिंग की है। सो हम पीछे से चलेंगे, टॉप फोर मोबाइल के बारे में आपको सबसे पहले बता देता हूँ। इसमें आपको सैमसंग गैलेक्सी F13 मोबाइल देखने के लिए मिलेगा, इसमें भी आपको काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके सभी छोटे मोटे स्पेसिफिकेशन के बारे में। सो इसमें आपको फुल प्लास्टिक बिल्ड देखने के लिए मिलता है, 9.3 mm इसका थिकनेस है, 207 ग्राम इसका वेट है, थोड़ा मोबाइल बल्कि होने वाला है और इसमें आपको हैवी वेट भी इसका देखने के लिए मिलता है। 3.5 mm जैक देखने के लिए मिलेगा, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट होगा, सो सभी इसमें आपको सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके ओएस में आपको एंड्रॉइड 12 देखने के लिए मिल जाएगा, 1 UI 4.1 सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा, सो काफी बेस्ट आपको यहाँ सॉफ्टवेयर भी देखने के लिए मिल जा रहा है। सो इसके मेन फीचर की तरफ आते हैं, इसके डिस्प्ले में आपको देखने के लिए मिल जाएगा 6.6 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला PLS स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, PLS स्क्रीन आपको डिसेंट देखने के लिए मिलता है, लेकिन आप नॉर्मल यूजर हो तो आपको यूज करोगे तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाता है, 418 निट्स की डिसेंट ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है, आउटडोर में अगर आप धूप रहेगा तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो इसमें आपको 60 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगा, 120 हर्ट्ज का टेस्ट सैंपलिंग रेट देखने के लिए मिलेगा। सो इसका डिस्प्ले ऑल ओवर अच्छा है, ज्यादा नेगेटिव नहीं बोल सकते, इसमें आपको अच्छा डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। सो इसके कैमरे में आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, 50 MP का प्राइमरी कैमरा, 5 MP का अल्ट्रावाइड, 2 MP का डीप सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में आपको 8 MP देखने के लिए मिल जाएगा, 1080 30 fps से बैक से फ्रंट से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सो इसमें कैमरा में आपको बोलूंगा कैमरा बहुत ही घटिया नहीं है, इमेज कैप्चरिंग काफी आपको अच्छा प्रोवाइड कराता है, तो इसमें आपको इमेज कैप्चरिंग काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। डिपेंड करता है, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपको डिसेंट मिल जाता है, लेकिन इस बार को कैमरे के लिए भी परचेस कर सकते हो। इसके चिपसेट में आपको देखने के लिए मिलेगा सैमसंग का एक्जिनोस 850 वाला चिपसेट देखने के लिए मिल जा रहा है, अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो इस चिपसेट की तरफ आप जा सकते हो। इसमें आपको 13 5G बैंड का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। इसमें आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, 15 वाट का डिसेंट चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा, आपको बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा, USB Type-C रहेगा, सो काफी अच्छी बात है। लेकिन 15 वाट का चार्जर 6000 mAh की बड़ी बैटरी को चार्ज करने में बहुत ही ज्यादा टाइम चला जाएगा, सो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये अगर कंफर्टेबल बैठता है तो काफी अच्छी बात है। सो गाइस, इसके वेरिएंट की तरफ आते हैं, यहाँ आपको 4128 इंटरनल देखने के लिए मिल जाता है, प्लस इसके 4GB का वर्चुअल रैम भी देखने के लिए मिल जाता है, तो 8128 वाला वेरिएंट की प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाएगी 13,000। जी गाइस, 13,000 इसका प्राइस होगा, लेकिन इसको आप सेल में परचेस करो तो आपको 11-10,000 में देखने के लिए मिल जाएगा। हर मंथ में 2-3 सेल देखने के लिए मिलता है, सभी मोबाइल पे काफी अच्छे ऑफर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर सेल से रिलेटेड वीडियो जानना चाहते हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें आपको सेल से भी रिलेटेड मैं वीडियो डालता हूँ। सो गाइस, मैं रिकमेंड करूंगा सैमसंग गैलेक्सी F13 इग्नोर कर देना, इसी के साथ F22 परचेस कर सकते हो या F32 परचेस कर सकते हो, वो दोनों प्राइस पॉइंट के हिसाब से सेम प्राइस पॉइंट के साथ सेम स्पेसिफिकेशन, इससे थोड़ा बेटर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। सो गाइस, मैं रिकमेंड करूंगा आप वो दोनों मोबाइल में से कोई एक परचेस कर सकते हो, F13 को इग्नोर कर देना। सो गाइस, नेक्स्ट मोबाइल की तरफ आते हैं, यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा Tecno POA 3, ये भी रिसेंट में लॉन्च हुआ, इसमें आपको काफी बेस्ट स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। सो इसमें आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने के लिए मिलता है, 9.4 mm इसका थिकनेस है, 213 ग्राम इसका वेट है, इसमें आपको 3.5 mm जैक देखने के लिए मिलता है, डबल स्टूडियो स्पीकर देखने के लिए मिलता है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इसमें होने वाला है, तो आपको सभी सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। ओएस में आपको एंड्रॉइड 12 के साथ आएगा, हाई ओएस 8.6 इसका सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा, ऑल ओवर मोबाइल काफी अच्छा है। इसमें आपको डिस्प्ले में देखने के लिए मिल जाएगा 6.9 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल देखने के लिए मिल जाएगा, NEG डिनोरेक्स का आपको यहाँ सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, प्रोटेक्शन के साथ आ रहा है, 500 निट्स की ब्राइटनेस, इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी आपको अच्छी मिल जाएगी, 90 Hz का रिफ्रेश रेट, 180 Hz का टच सैंपलिंग रेट देखने के लिए मिल जाएगा। सो इसका डिस्प्ले काफी बेस्ट होने वाला कंटेंट वॉचिंग के लिए, गेमिंग के लिए, प्राइस पॉइंट के हिसाब से इस मॉडल को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो इसके डिस्प्ले के लिए। सो इसके कैमरे की तरफ आते हैं, बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, 50+2+2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, फ्रंट में आपको 8 MP का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, डबल LED फ्लैश देखने के लिए मिलेगा फ्रंट में, और इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक से 2K 30 fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फ्रंट में आपको 1080 30 fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सो इसका कैमरा सेटअप भी काफी अच्छे, इमेज कैप्चरिंग डे लाइट कंडीशन में निकाल के दे देता है, तो इस मोबाइल में आपको कैमरा वाइज भी कोई कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इसके परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा MediaTek Helio G88 का गेमिंग चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है, 12 NF फैब्रिकेशन के साथ आता है, हीटिंग का प्रॉब्लम थोड़ा मोटा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें आपको लिक्विड कूलिंग का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा।
जो कि काफी अच्छी बात है। इसका अंतुतु स्कोर 2,54,000 तक अंतुतु स्कोर जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसमें आपको गेमिंग के लिए इस मोबाइल को डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। इसके बैटरी की तरफ आते हैं, यहाँ बैटरी में आपको कुछ एडवांस फीचर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ गाइस, यहाँ आपको 7000 mAh का बड़ा इन्वर्टर देखने के लिए मिलेगा। इसको बैटरी नहीं बोल सकते, इसको इन्वर्टर ही बोलना ठीक रहेगा। इसमें आपको 25 वाट का सपोर्ट करता है चार्जर, लेकिन आपको बॉक्स के अंदर 33 वाट का चार्जर देखने के लिए मिलता है यूएसबी टाइप सी का, जो कि काफी अच्छी बात है। प्लस इसमें आपको 10 वाट का रिवर्स चार्जर देखने के लिए मिलता है। किसी और मोबाइल में भी इस मोबाइल का चार्जर ट्रांसफर कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो किसी और मोबाइल को भी, जो कि काफी अच्छी बात है। सो गाइस, अगर आप इस मोबाइल को लेना चाहते हो तो इसका ब्लू वाला वेरिएंट परचेस करना। ब्लू वाले वेरिएंट में आपको बैक साइड में एलईडी लाइट देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी अच्छी, काफी नेक्स्ट लेवल का लुक आपको प्रोवाइड कराता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा इस मोबाइल को अगर आप परचेस करो तो ब्लू वाला वेरिएंट ही परचेस करना। सो इसको मोबाइल को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। डिस्प्ले काफी बड़ा है, काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस इसका काफी अच्छा है, कैमरा डिसेंट है, डबल स्टूडियो स्पीकर इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। मोबाइल लिटरली गुड लुकिंग मोबाइल है, इसमें आपको काफी बेस्ट स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। तो इस मोबाइल को आप ले सकते हो अगर आपका रिक्वायरमेंट इसमें से आपको मिल जाएगा तो। सो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा बेस्ट वेरिएंट 464 वाला वेरिएंट देखने के लिए मिलता है 12,000 में, लेकिन सेल में मोबाइल आपको 10,000 के रेंज में देखने के लिए मिलेगा। इसका हायर वेरिएंट 6128 वाला वेरिएंट रहता है, लेकिन इसमें आपको सेल में ही ये मोबाइल 12,000-11,000 में देखने के लिए मिल जाता है। सो इसका एक्चुअली प्राइस 13,500 है, और सेल में परचेस करो तो 11,000-12,000 में इस मोबाइल को परचेस कर लेना। काफी लिटरली प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेस्ट मोबाइल आपको मिल जाता है। सो इस मोबाइल की तरफ भी अगर आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली जा सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट मोबाइल की तरफ आते हैं, यहाँ आपको ऑलराउंडर मोबाइल देखने के लिए मिलेगा मोटो का, मोटो G42 मोबाइल आपको देखने के लिए मिलेगा। सो इसके डिजाइन बिल्ड मटेरियल में आपको फुल प्लास्टिक देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिलेगा। 8.2 mm इसका थिकनेस है, 174.5 ग्राम इसका वेट है। मोबाइल लिटरली गुड लुकिंग है, लाइट वेट के साथ छोटा मोबाइल होने वाला, इनहैंड फील काफी अच्छा मोबाइल होने वाला है। 3.5 mm जैक देखने के लिए मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, डबल स्टूडियो स्पीकर, ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। ये मोबाइल आपको एंड्रॉइड 12 के देखने के लिए मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स माई यूएक्स सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस इसका देखने के लिए मिलेगा। मोबाइल बेस्ट है, आपको स्टॉक एंड्रॉइड का फीचर, यूआई क्लीन, ब्रॉडवेयर के इस मोबाइल को तो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। सो गाइस, इसके डिस्प्ले की तरफ पता है, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा 6.4 इंच का फुल एचडी रिजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलेगा, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिलेगा। डिस्प्ले काफी बेस्ट मिल जाता है, वाइड बैंड एडवांस का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, 700 nits ब्राइटनेस देखने के लिए मिलेगी, 60Hz का रिफ्रेश रेट, 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने के लिए मिलेगा। सो डिस्प्ले इन एंड फील काफी अच्छा होने वाला है, बल्कि डिस्प्ले आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा, कंटेंट वॉचिंग के लिए, गेमिंग के लिए टॉप क्लास का आपको यहाँ डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस, इसके कैमरे की बात कर लेते हैं, आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, 50MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का ड्राइवर, 2MP का माइक्रो, फ्रंट में आपको 16MP प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको 1080 30fps से बैक से फ्रंट से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ऑल ओवर में कैमरे की बात करूं तो इसमें आपको मोटो का कैमरा है, तो आपको नेचुरल इमेज कैप्चरिंग प्रोवाइड कराता है, तो कैमरा सेटअप आपको यहाँ बेस्ट मिल जाता है। सो गाइस, इसके परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला 4G चिपसेट देखने के लिए मिलेगा, 6nm फैब्रिकेशन के साथ आता है। नॉर्मल यूजर हो तो इस मोबाइल को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। इसमें आपको UMCP रैम स्टोरेज देखने के लिए मिलता है, इसका कंपैरिजन UFS 2.2 से कर सकते हैं। सो आपको चिपसेट अच्छा देखने के लिए मिलता है। इसका अंतुतु स्कोर आपको 2,43,000 इसका अंतुतु स्कोर जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। इस मोबाइल में आपको ज्यादा कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बैटरी में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलेगी, 20W का टर्बो फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा USB टाइप सी के साथ। सो मोबाइल ऑल ओवर काफी बेस्ट आपको यहाँ स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कराता है। सो इस मोबाइल में आपको जो वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा 464 वाला वेरिएंट आपको 14,000 में देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस मोबाइल को अभी रिसेंट में ही लॉन्च होने वाला है, 11 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होगा। और इस मोबाइल को फर्स्ट सेल में अगर आप परचेस कर सकते हो SBI के क्रेडिट कार्ड से तो आपको 1000 का ऑफ देखने के लिए मिलेगा, और इस मोबाइल को आप 13,000 में डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। ये मोबाइल अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च होने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसमें आपको काफी बेस्ट स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं, आप 11 जुलाई को परचेस कर सकते हो। सो नेक्स्ट मोबाइल की तरफ आते हैं, ये मोबाइल है इन्फिनिक्स नॉट 12 टर्बो मोबाइल। जी हाँ गाइस, काफी बेस्ट इसमें आपको स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। इसके डिजाइन बिल्ड मटेरियल में आपको फुल प्लास्टिक देखने के लिए मिलेगा, 7.9 mm इसका थिकनेस है, 185 ग्राम वेट है। सो इसमें आपको थिकनेस इसका काफी बेस्ट है और लाइट वेट के साथ आ रहे हो तो मोबाइल काफी अच्छा है। इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलेगा, 3.5 mm जैक, डबल स्टोरेज स्पीकर, ट्रिपल कार्ड आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये मोबाइल एंड्रॉइड 12 पे ही आता है XOS 10.6 सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस के साथ, तो इसका सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस आपको थोड़ा डिसेंट मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको स्पेसिफिकेशन काफी बेस्ट मिलते हैं। इसके डिस्प्ले में 6.7 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड पैनल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन है, 1000 nits की ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएगी, 60Hz का रिफ्रेश रेट, 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने के लिए मिल जाएगा। इसका डिस्प्ले आपको बेस्ट से टॉप क्लास देखने के लिए मिल जाएगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से इस मोबाइल को डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो। तो कैमरे की तरफ आते हैं, यहाँ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, 50+, 2+ AI कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी अच्छी है। आपको कैमरा सेटअप भी देखने के लिए मिलेगा, फ्रंट में आपको 16MP देखने के लिए मिल जाएगा, और बैक से रिकॉर्डिंग में आपको 2K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में आपको 1080 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिल जाएगा।
ऑल ओवर इमेज कैप्चरिंग इस मोबाइल का काफी अच्छा है। डे लाइट कंडीशन में इस मोबाइल को आप परचेस कर सकते हो। सो इसके परफॉर्मेंस में आपको मिल जाएगा मीडियाटेक हीलियो G96 वाला चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा। गेमिंग चिपसेट है, 12 NF फैब्रिकेशन के साथ आता है। हीटिंग का प्रॉब्लम थोड़ा देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसमें आपको UMCP रैम स्टोरेज देखने के लिए मिलता है। इसका कंपैरिजन UFS 2.2 से कर सकते हैं। इसमें आपको चिपसेट काफी तगड़ा देखने के लिए मिल जाता है। इस मोबाइल को गेमिंग के लिए डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। सो इसके बैटरी की तरफ आते हैं, आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। 33 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाता है। USB Type-C के साथ, जो कि काफी अच्छी बात है। इसमें आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलता। इस मोबाइल को अगर आप परचेस करना चाहते हो तो इसमें आपको डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी और एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। तो ये देख के आप मोबाइल परचेस कर सकते हो इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो इसमें आपको 8128 वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलता है, प्लस आपको 5GB का वर्चुअल रैम देखने के लिए मिलता है। 15000 के रेंज में 8128 वाला वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा, प्लस इसमें आपको 5GB का वर्चुअल रैम देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक्सलेंट एंड टॉप क्लास का मोबाइल होने वाला है रैम स्टोरेज के हिसाब से। सो इस मोबाइल को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। एक्चुअली इसका प्राइस आपको 15000 देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सेल में मोल में बोला ना आपको हर मंथ में आपको एक दो सेल देखने के लिए मिलता है, कन्फर्म काफी तगड़ा वाला सेल। सो ये मोबाइल आपको 13-12 हजार में डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। इस मोबाइल में काफी टॉप क्लास के आपको स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा इस मोबाइल को आप परचेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। सो गाइस, यही रहा आपको टॉप 4 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बता दिया, जो कि लेटेस्ट में लॉन्च हुए और लॉन्च होने वाले हैं। सो गाइस, इन सभी में से आपको जो रिक्वायरमेंट आपको अच्छा लगता है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी मोबाइल परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना, आगे भी आपको अच्छा लगता है, अगर मेरा चैनल थोड़ा भी पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।